राम राम, सत श्री अकाल भाई, सारे भाई है ना। आपके अपने YouTube चैनल सुखबीर डांडा डेयरी फार्म पर आप सब भाइयों का स्वागत है। जो भी भाई चैनल से नए जुड़े हैं, वीडियो को देख पा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटे का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को मिलता रहे। आज का वीडियो अपने डेयरी फार्म पर जो गोबर गैस प्लांट बनाया था उसमें जो फेसबुक पर भी कई भाइयों के कमेंट थे कि भाई इस पर क्या लग गया, कितना खर्चा आया, तो वो सारा मैं डिटेल से बताऊंगा भाई। जो आप ये सामने पीछे देखे, आपने शुरू में खड्डा करवाया जेसीबी से, उसमें जेसीबी के द्वारा जो खड्डा किया गया उसमें 1.5 घंटा लग गया भाई जेसीबी का वो गड्ढा खुदाई के लिए। और गड्ढा खुदने के बाद इन्होंने जो मिट्टी कसी के साथ साइड से जो बनाना हुआ है इसका अंदर का डिजाइन था वो गोलाकार में बना के और ड्रम जैसे उससे दुर्मत से छिताई कर दी, पूरी कुटाई कर दी मिट्टी की। और पूरी मिट्टी की कुटाई करने के बाद ही आगे का प्रोसीजर चलिया था। और सामने ये होल है जो दीवार में आपने पहले छोड़ा नहीं था, तो उसके बाद ये दोबारा होल बनाया था भाई ने। भाई जो अंदरली साइड से है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भाई कहाँ से गोबर डल रहा है, कि भाई अंदर से जो बनाया भाई ने। ये जो डोम है जैसे ये 8 ये प्रकार सी बना रखी भाई ने पाइप की, टूंटी वाली पाइप के वो बना के साखट जोड़ जोड़ के 8 फीट का घेरा बताया भाई ने। और जो ये नीचे बना रहे हैं ये जो सैलरी बाहर निकलनी है गोबर की, जो गैस तो इस जो ये अपना प्रकार नुमा इधर की साइड से ऊपर जाके वो लगना है इसमें पाइप, और इधर जो भाई ये बना रहे हैं उसमें अपना सैलरी बाहर निकलेगी, ऊपर टैंक बनया दिखेगा आपको। वो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे उसमें आपको सारा आइडिया आ जाएगा कि भाई हाँ इसमें ये चीज़ें यूज हुई हैं। तो इसमें जैसे फिर भाई ने ये जो अपना गोलाकार में जैसे मटका हुआ है इस तरह नीचे से भी गोल और ऊपर से गोल इस तरह का डिजाइन हुआ है भाई इसका गोबर गैस प्लांट का। तो इसमें जो खर्चा लगाया था अपने वो अलग अलग, अगर आप उसकी बात करें, मैंने पहले बताया भाई जेसीबी का जैसे 1200 रुपये के लगभग 1200-1300 रुपये लगे हैं। और इसमें अपने को लगभग 125-125 फीट रेता मंगाया था भाई ने, वो 2750 रुपये के लगभग आया था भाई। और जो सामने नज़ीर है ये पाइप पकड़े हुए है, ये पाइप अपना 10 इंची है और लगभग 2300 रुपये का ये पाइप आया था। इसमें ये चिनाई इन्होंने धीरे धीरे अपनी चालू करी और पाइप है जो अंदर लगा के पीछे 1 फुट पाइप वेस्ट भी हो गया, चलो वो तो कम रह जाए भाई उसमें फिर दिक्कत आवे है, क्योंकि अपने पहले दीवार की परली साइड में जो पशुओं वाला है उसके अंदर जगह छोड़ी गई थी। पहले ये नहीं पता था कि भाई किस लेवल पे छोड़नी है, तो नहीं पहले ही छोड़ देंदे फिर तोड़ा फोड़ी नहीं होंगी। तो इन्होंने अपना ये पाइप सेट करके और चिनाई अपनी धीरे धीरे चुल्लू रखी। इसमें 4 बंदे लेबर वाले थे भाई साथ में, और एक भाई अपना पंजाब पटियाला से हैं, बहुत बढ़िया काम किया भाई ने देखो परमात्मा की दया से। और सोचेंगे भाई अच्छा ही चले, भाई ने बताया भाई अच्छा चलेगा, खर्चा खुर्चा बढ़िया लग के बनया है। तो आप पाइप लगा गए थे, तो पाइप के बाद अपने जैसे लगया एक 20 किलो सरिया लग गया भाई, 2 सूत का है शायद, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। उसके स्लैब बनाए गए हैं जो ये अपने बाहर निकले, ये सैलरी होगी यहाँ निकलेगी और इसके ऊपर एक टंकी बनेगी जैसे अपने तला इस पे बन जो है ट्यूबवेल पे, तो उस तरह की एक टंकी बनेगी उसके ऊपर स्लैब ढके जाएंगे भाई, बस सैलरी सैलरी का सुराख छोड़ दिया वो बाहर निकले जाएगा। तो उसमें 1650 का सरिया और लगभग 2500 ईंट लगी हैं भाई, 13500 रुपये के लगभग, तो 2500 ईंट लगी इसमें पूरी की पूरी, 2500 नेट लगी भाई। मैं सारी ईंटें अलग उतरवाई थी तो वो सारी लगा दी भाई ने। और इसमें लगभग बात करें सीमेंट की, 25 बैग के लगभग सीमेंट लगी भाई और 25 फुट बजरी लगी, कुछ बजरी उसमें लगी स्लैब स्लूब में, कुछ क्रेशर कोरसेंट बोलते हैं जिसको, वो इतना क्रेता बच गया इतना को कोरसेंट लग गया होगा। तो भाई ने काम भी मानो 5 दिन में पूरा कर दिया, काम बहुत ज़्यादा हो जाए भाई। फिर खिंचाई पूरी करी, 4 बंदे थे लेबर वाले साथ के साथ, पूरी खिंच के काम किया है उसमें। फिर ये आपको ऊपर से बंद दिखेगा ही बाकी वीडियो में ही देखे,
ये साइज ऐसा बना दिया, और मैं जो पीछे गड़ोई बता रहा था वो टेबल के ऊपर, वो उस साइज की परली साइड में बना रखी भाई ने। इसके ऊपर मैं आगे दिखाऊंगा भाई ने कैसे किस तरीके से इसको मुंह को बंद किया है। ये डार्ट सिस्टम हो जाए, जैसे पहले पुराने अपने बुजुर्गों के टाइम पे डार्ट सिस्टम होता था, तो उस तरीके का हुआ है भाई ये। और ये इतना लेवल ऊपर से बना के सारा गोल ऊपर छोड़ दिया था, उसका भी आगे आपको ऐसे दिखाएंगे कि भाई जिस तरीके से भाई ने बनाया है। और जो नीचे से ये अपना था सैलरी वाला, सैलरी बाहर इससे निकलेगी भाई, जिस तरह गोबर नीचे से उठेगा गैस मिलेगी अपने को और वेस्ट बाहर निकल जाएगा। तरीका अच्छा है भाई, बहुत से भाइयों के चल भी रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो चलो अपने भी बढ़िया ही चलेगा। ये भाई ने टंकी ही बना दी है, इसमें सैलरी निकल गई, इसका खाड़ा परली साइड में खेत की तरफ बनाया हुआ था, फिर मैंने पीछे की तरफ करवा दिया दोबारा। वो आप आके वीडियो में भी देख पाएंगे कि भाई किस तरीके से बनाया है। मेहनत बहुत ज़्यादा है भाई, भाई ने मेहनत की है बहुत ज़्यादा। ये आप देखें, इसमें फिर एक जैसे जाला छाबड़ा बोलते हैं, जो मैं एक दिन वीडियो में लाइव भी दिखा रहा था अपने फेसबुक पेज पे, भाई इस तरीके से इसके अंदर की सफाई कर दी, जितना मसाला नीचे गिरा हुआ था जो नीचे पक्का करके वो सारा डाल डूल के, और अपने जितना बाहर जो सामान निकालना था वो एक बार भाई ने निकाल दिया था। ये जो जाला छाबड़ा जो तूत के बने हैं, वो सानी डालने के लिए पहले प्रयोग में किया लिया जाता था भाई, आज भी ले में बहुत से भाई, जैसे उसको भाई ने सीधा बना दिया, जैसे गोलाकार में था, फिर उसको कुटाई पिटाई करके एक सीधी शेप दे दी भाई उसको, आप कैसा भी बोल सका। हाँ ये देखें, इसको उसी रास्ते के द्वारा अंदर ले जाया जाएगा, जो अपना नीचे जो सुराख बचा हुआ, जो ये होल है, इसे जो मैंने वीडियो में दिखाया भाई, इतना एरिया भाई ने कवर करने के लिए छोड़ दिया था, उसमें ये नीचे ले जाके, और पैड बनाई गई हैं फट्टे लगा लगा के, ड्रम लगा के, भाई उसी तरीके से पैड बनाई भाई ने। तो इसको अंदर सेट करेंगे भाई, ऊपर छत, इसके ऊपर मानो एक किस्म का ये डोला बन गया, जैसे अपन घर पे लेंटर लगावा नहीं, तो उसी तरीके का डोला बन गया। देखो तरीका तो और भी होगा भाई ने जो यूज किया, आप वही दिखा पाएंगे आपको। मैंने ये छोटे छोटे उसमें क्लिप जोड़ी थी, छोटी छोटी क्लिप ली उसमें से जब बना रहे थे, क्योंकि दिखानी भी जरूरी थी भाइयों को, खर्चे का आइडिया भी जरूरी था लगभग देना, क्योंकि उसमें फिर ये देखिए अंदर ड्राम पड़े हैं, फट्टे जो भी है, पैड का खर्चा कुछ लगाया नहीं मैंने इसमें, कुछ थोड़ा बहुत जो लग गया वो तो 100-200 रुपये लग गया होगा भाई ड्रम ड्रूमों का। और ये इसके ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर भाई इसको पूरा टाइट करेंगे, ये नहीं कि भाई जैसे लगा के छोड़ दिया, या क्योंकि ऊपर इसके पूरा रेती का मसाला मसूला डाल के फिर गुड़ाई देनी है ऊपर वाली है, जो ऊपर के हिस्से की है। तो इसमें जो भाइयों की मजदूरी लगी है, जो मेरे जैसे नज़ीर लग गया हुआ था या और भाई लगे हुए हैं, इनके 6800 रुपये खर्चा आया है भाई। इसमें जितनी भी 17 बंदे की दिहाड़ी लगी, तो 17 बंदियों की दिहाड़ी के अनुसार 6800 रुपये जो मैंने काउंट किए, तो वो 6800 रुपये लग गए थे। बहुत से भाइयों के कमेंट थे भाई बताओ कितना पैसा लग गया। देखो आइडिया सभी लेना चाहवा, क्योंकि कल को बनाना है, बतावा इस पे सब्सिडी भी है भाई गवर्नमेंट की तरफ से, चलो वो आगे की बातें हैं भाई, कितनी सब्सिडी आएगी या ना आएगी वो टाइम मौके की बातें हैं, लगभग मिल भी। और जैसे ये भाई जो मैं बता रहा था ऊपर छाबड़ा जाला, उसको नीचे पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ऊपर भाई मसाला डाल के और जो ऊपर का इसका मुंह बंद करना है, तो वो नीचे सपोर्ट होगी जब ही भर पाएंगे, और बिना सपोर्ट के तो फिर ये नीचे निकल जाएगा। तो भाई ने इसको जैसे अपन लेंटर लगावा नहीं, वो एक डोले वाला ही सिस्टम हो गया, और तो कुछ अलग नहीं भाई, डोला टाइप ही हो गया ये। अगर कोई फटियों का वो करे तो फटियों में थोड़ी दिक्कत आवर भाई को, या नीचे की तरफ लिपाई लिपुई में भी कोई दिक्कत आवर, लेकिन अब ये देखें ऊपर से ये इस तरह दिख रहा है, इसको थोड़ा और नीचे दबाएंगे, और इसमें गिल्ला जो रेती का मसाला है, या रेती अकेली रेती भी गोके वो मसाला डालेंगे भाई, ये देखा आप पे। और ये जो गिल्ली करके रेती ले आए हैं या इसमें सीमेंट लगा के ले आए हैं, उस टाइम पे मैं नहीं था इधर, ये दुष्यंत की बनाई हुई है, तो उसने बताया कि भाई ये रेता था, अकेला रेता तो नहीं हो सकता, साथ में सीमेंट भी मिली होगी भाई इसमें। और जो इसमें खर्चे का मैं पीछे पीछे आपको आइडिया भी दिया कि भाई इतनी दिहाड़ी लगी, तो
तो जो अपने भाई हैं मिस्त्री हैं इनका जो अपने घर तक का, देखो कई बार दूर जाना पड़े या नज़दीक हो उसका तो मैं नहीं कह सकता। भाई ने 10,000 रुपये कहा था, मैं चलो थोड़ा बहुत वो करके 9,000 रुपये में भाई मेरा ये बना गए। भाई जैसे कहा तो इन्होंने 10,000 रुपये में था, लेकिन 9,000 रुपये में इन्होंने मेरे पे जो इसकी बनाने की लेबर है वो 9,000 रुपये ली भाई। और उसमें देखो कई भाई कोई कम में भी बनाता होगा, कोई ज़्यादा भी ले हुए हैं भाई। और दूर अगर जाना पड़ जाए तो देखो गाड़ी का भी तेल पानी का खर्चा है, बंदे को दूर जाना पड़े तो उसके खर्चे तो अलग हुए हैं। चाहिए कम में बनाए ज़्यादा में बनाए वो तो देखो टाइम मौके की बातें हैं। भाई का नाम कुलविंदर है भाई, पटियाला के नज़दीक भाई का गाँव है, देवीगढ़ साइड में बता रहे थे शायद। तो बढ़िया इंसान है भाई, बहुत अच्छा लग गया, बहुत मेहनत से और बहुत जल्दी बना के काम दिया। वो भी एक मैं रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा काम थोड़ा बीच में फिर नहीं रह जाएगा और जल्दी है मेरे को, तो इन्होंने अपना काम, दूसरा काम था जिस पे जाना था इन्होंने, उसको 2-4 दिन के लिए रोक दिया था। तो बहुत बढ़िया लग गया भाई, बहुत अच्छा काम करके दे के गए हैं भाई। और ठंडे तरीके से, ये नहीं भाई ये कर दिया भाई ये बाद में बन जाएगा या और पे करवा लियो, तो सारी चीज़ें भाई ने फिट करके दी भाई। और जो ये ऊपर वाला सिस्टम था मैं आपको दिखा रहा था, तो उसमें देखें ये छोटे छोटे रोड़े करके ईंटों के भाई ने वो लगा दिया और उसके ऊपर से ये मसाला डाल दिया, ये बजरी क्रेशर का या सीमेंट का जो भी है वो मसाला है भाई। और ये फिर बनने के बाद ऐसा हो गया भाई, इसमें जो नीचे जो लाल छाबड़ा लगाया गया था वो फिर हटाया जाएगा और इसकी भी अंदर की लिपाई लिपुई करके सारा सेट कर दिया भाई ने। और ये इधर जो होल किया था अपने गोबर डालने के लिए वो भी भाई ने फिट कर दिया, इसमें बजरी क्रेशर डाल दिया और ऊपर से फिर डाल दिया परली साइड जाके। और ये देखिए इसकी लिपाई कर दी पूरी तरीके से। अब जैसे अपने बढ़िया हुआ है इसके ऊपर पानी गिल्ला करके मिट्टी, तो पानी डाल रखा है गिल्ली रखा है इसको भाई त्रेड़ त्राड़ ना आ जाए। और ये जो मैं सरिया बता रहा था उसके ये ऊपर ढकने के लिए वो ढक्कन बना रखे स्लैब, ये बाद में यूज होंगे भाई। और जो इसका टोटल खर्च होया जो 5,000 रुपये का, अन्य सामान और लग गया भाई, नाली नूली लगी है जो नाली निपल, 54,000 रुपये के समथिंग खर्चा पड़ गया भाई। और ये इधर से गोबर होता हुआ उसके डोम के अंदर जाएगा और गैस मिलेगी भाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी वीडियो के माध्यम से भाई, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सब भाइयों का धन्यवाद।